की है ना, चैप्टर नंबर सेकंड के है ना, थ्री नहीं 2 11 कर रहे थे ना। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री लर्न करेगी अर्पिता। यस क्वेश्चन सर। नंबर थ्री ओपन करना है और मेरे साथ रिपीट करना है। ओके चलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ हैव एयरवेज हाउ हैव एयरलाइन हाउ हैव एयरलाइन हेल्प इन ट्रेवलिंग? हेल्प इन ट्रैवलिंग हेल्प इन ट्रेवलिंग, हेल्प इन ट्रैवलिंग ठीक है। एयरवेज मतलब जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर है ना, ये सब ट्रेवलिंग में कैसे हेल्प करते हैं? आंसर, एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट दे आर ऑल्सो, बट दे आर ऑल्सो बट दे आर ऑल्सो बट दे आर ऑल्सो द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग बट दे आर ऑल्सो बट दे आर ऑल्सो द कॉस्टलीएस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ द एरोप्लेन, ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द एरोप्लेन वॉज बिल्ट इन 1903। वॉज बिल्ट इन 1903 वॉज बिल्ट इन 1903 वॉज बिल्ट इन 1903 बाय द राइट ब्रदर्स। By the Wright brothers. By the Wright brothers. By the Wright brothers. Since then, there have been many improvements. There have been many improvements. There have been many improvements. There have been many improvements And better aeroplanes have been invented. and better aeroplanes have been invented And better aeroplanes have been invented. and better aeroplanes have been invented. Aeroplanes have become faster. Aeroplanes have become faster. Aeroplanes have become faster. Aeroplanes have become faster. And capable of carrying. And capable of carrying. And capable of carrying huge amount of cargo.
huge amounts of cargo and huge amount of cargo and huge amount of cargo and as many as 500 people at a time and as many as 500 people at a time and as many as 500 people at a time and as many as 500 people at a time aeroplanes have become faster aeroplanes have become faster and capable of carrying and capable of carrying huge amount of cargo huge amounts of cargo and as many as 500 people at a time and as many as 500 people at a time this is why in spite of being expensive This is why in spite of being expensive air transport has become popular okay चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एयरवेज क्या है सबसे फास्टेस्ट मीन्स है ना मतलब अपनों को अगर यहाँ से अमेरिका जाना है तो हम ऑब्वियसली क्या प्रिफर करेंगे एयरवेज मतलब एरोप्लेन है ना क्योंकि वो जल्दी भी पहुँचा देगा और बीच में क्या आती है बहुत सारी रिवर्स आती है तो वहाँ तो ट्रेन तो जा नहीं सकती है बट एक चांस है बोट से जा सकते हैं अपन बट बोट तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी ठीक है इसलिए अपन क्या यूज करते हैं एयरवेज एरोप्लेन ठीक है लेकिन ये क्या है सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट भी है ना कॉस्टलीस्ट मतलब सबसे ज्यादा महंगा भी है ना आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आप एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हो सबसे पहला मॉडल किसने बनाया था सक्सेसफुल मॉडल वो किसने बनाया था राइट ब्रदर्स मतलब दो भाई थे ये ठीक है जिनका सरनेम था राइट ओके दो ब्रदर्स थे उन्होंने कब बनाया था 1903 में है ना सक्सेसफुल मॉडल सबसे पहला बना था 1903 में राइट ब्रदर्स से उसके बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी हुए है ना एरोप्लेन्स में और अच्छे अच्छे प्लेन्स भी क्या हुए इन्वेंट हुए है ना उसके बाद बहुत सारे चेंजेस होने लगे एरोप्लेन्स में और अच्छे अच्छे प्लेन्स आप देखते होंगे टीवी में है ना वीडियोस में एरोप्लेन्स हैव बिकम फास्टर एरोप्लेन्स अब क्या हो गए पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं है ना और उसमें बहुत सारा कार्गो भी अपन कैरी कर सकते हैं ठीक है जैसे अपनों को यहाँ से कुछ सामान अपनों को एक्सपोर्ट करना है तो अपन एरोप्लेन में भी सेंड कर सकते हैं अगर जल्दी पहुंचाना है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने जने बैठ सकते हैं 500 पीपल एक साथ बैठ भी सकते हैं उसमें ठीक है इसलिए वो एक्सपेंसिव होने के कारण भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी क्या है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्या चीज एरोप्लेन्स है ना मतलब एयरवेज चलो अर्पिता एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो और आंसर बेटा अनम्यूट क्यों करते हो जब तक अपना टर्न खत्म नहीं हो जाए चलो करो ना रिपीट बेटा क्यों म्यूट कर दिया फिर से How have airways helped in traveling? Airways are the faster means of transport, but they are also the costliest means of traveling.
the first successful model of the aeroplane was built in 1903 by the Wright brothers. Since then, there have been many improvements and better airplanes have been invented. Aeroplanes have become faster and capable of carrying huge amounts of cargo, and as many as 500 people at a time. This is why, in spite of being expensive, air transport has become popular. Question number next to repeat karega. Yes, kiske ID in English name se? Beta jaldi. Chalo, Daksh. दक्ष आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो, नोट्स है आपके पास? Yes, sir. चलो रीड करते हैं. हाउ हैव रोडवेज इंप्रूव्ड? हाउ हैव रोडवेज इंप्रूव्ड. क्वेश्चन इज कि रोडवेज कैसे इंप्रूव्ड हुए हैं, है ना? मतलब क्या-क्या चेंजेस आए हैं रोडवेज में? पढ़ते अपन. इन द बिगनिंग पीपल ट्रैवल्ड ऑन ट्रैक्स. People traveled on tracks. Which were naturally carved into. The ground by humans and animals. The ground by humans and animals. As they walked along. The same path regularly. Later. These tracks widened. As vehicles like chariots. And carts began to be used. The Romans were the first to build paved roads. Built with stone and soil. To
Built with stone and soil. Built with stone and soil. With advances in the means of road transport. With advances in the means of road transport. With advances in the means of road transport. Bolo. And advances of means transport. With advances in the means of road transport. With advances in the means of road transport. Better and more durable roads. 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 Were required. Were required. Were required. Were required. Today, broad metal roads. Today, broad metal roads. Today, broad metal roads. Today, broad metal roads. Known as highways. Known as highways. Today, broad metal roads. Today, broad metal roads. Known as highways. Known as highway. Expressways. 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 And freeways. And freeways. And freeways. And freeways. Connect different cities. Connect different cities. Connect different cities. Connect different cities. Within a country. Within a country. International highways. International highways. International highways. International highways. Connect one country to another. 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 पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आंसर, फिर दक्ष उनको रिपीट करना है क्वेश्चन और आंसर. ओके ओके. रोड कैसे इम्प्रूव हुए हैं? पहले क्या होता था, लोग किस पर चलते थे, मतलब पुराने टाइम पर, है ना, मतलब तब उनको जब नॉलेज नहीं था क्या कपड़े पहनना है, तब वो कहाँ पर चलते थे, ऐसे ट्रैक्स पर, मतलब कुछ ऐसा रास्ता बन जाता था कहाँ पर, जंगलों के बीच में, है ना, जंगलों के बीच में रास्ता बन जाता था, पहले वहां पर चलते थे लोग, है ना, दोनों ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी. ठीक है, फिर क्या हुआ, उन ट्रैक्स को क्या करा, थोड़ा बड़ा कर दिया, है ना, वाइडन मतलब बड़ा करना, थोड़ा उसको फैलाना. क्यों करा ये, क्योंकि उन्होंने फिर क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, चैरियट्स या और कार्ट्स, है ना, लकड़ी की गाड़ी बनाने लग गए वो, तो उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, उन ट्रैक्स को बड़ा करना पड़ा. ठीक है, सबसे रोमन्स जो थे वो सबसे पहले थे, है ना, जिन्होंने क्या बनाए थे, पत्थर और सॉइल से रोड्स बनाए थे. ठीक है, पत्थर और मिट्टी से क्या बनाए थे, उन्होंने रोड्स बनाए थे. विथ एडवांसेस इन द मींस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. अब रोड ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, है ना, अच्छे हो गए, मतलब व्हीकल्स अच्छे होने लग गए, गाड़ी बनने लग गई, है ना, डीजल और ये सबसे चलने वाली बड़ी गाड़ियां गाड़ी बनने लग गई. ठीक है, उससे क्या हुआ, अच्छे और मतलब जो ज्यादा टाइम तक चल सके वैसे रोड्स चाहिए थे. ठीक है, आज के टाइम पर क्या, कौन से रोड्स होते हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड फ्रीवेज. ठीक है, जो किससे होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, सिटीज को कनेक्ट करते हैं, दूसरी दूसरी सिटीज को कनेक्ट करते हैं. एक इंटरनेशनल हाईवेज होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे अपनों को यहाँ से पाकिस्तान जाना है ना, तो अपन बाय रोड भी जा सकते हैं.
ठीक है, वो कौन सा रोड वे? इंटरनेशनल हाईवे। चलो दक्ष, इसको एक बार क्वेश्चन को और आंसर को रिपीट करो। ओके हाउ हैव रोडवेज इंप्रूव्ड इन द बिगिनिंग पीपल ट्रेवल्ड ऑन ट्रैक्स व्हिच वर नेचुरली कार्वड इनटू द ग्राउंड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैज दे वॉक्ड अलोंग द सेम पाथ रेगुलरली लेटर दिस ट्रैक्स क्वाइंटेड हैज व्हीकल्स लाइक चैरिटोस एंड कार्ट्स बिगेन टू बी यूज्ड द Romans were the first to build paved roads built with stone and soil with the advance in the means of road transport better and more durable roads were required to stay both mental roads now and highways, expressways and freeways connect different cities within a country. International highway connect a country to another. बेटा अपन फुल स्टॉप आ रहा है, कहीं पर भी नहीं रुक रहे अपन, तो बस बोले जा रहे हैं। देखो तो सही कहाँ फुल स्टॉप है, तो वहां रुकना तो चाहिए। पता ही नहीं पड़ रहा है कब दूसरा सेंटेंस यूज कर रहे हैं अपन। क्लियर? नाउ ऑल द लॉन्ग आंसर्स वी हैव लर्न्ड, नाउ शॉर्ट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन प्रीत, अनम्यूट। प्रीत अनम्यूट, आवाज आ रही है? चाहक, चाहक अनम्यूट फास्ट, फास्ट वाला छोटा। क्वेश्चन नंबर, अब शॉर्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, नेम टू रिवर्स इन चाइना। नेम टू रिवर्स इन चाइना, नेम टू रिवर्स इन चाइना, नेम टू रिवर्स इन चाइना। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर, यांगसे क्यांग, यांगसे क्यांग, यांगजे क्यांग, यांगजे क्यांग, यांगजे क्यांग, यांगजे क्यांग, एंड वांग हो, एंड वांग हो, एंड वांग हो, एंड वांग हो, आर द मेन रिवर्स, आर द मेन रिवर्स, आर द मेन रिवर्स, आर द मेन रिवर्स of China, of China, are the main rivers, are the main rivers of China, of China, क्योंकि ये दो रिवर्स के नेम है, यांगसे क्यांग एंड वांग हो। ठीक है, ये दो रिवर्स के नेम है, कहाँ के? चाइना की रिवर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर लो। नाम टू रिवर्स चाइना, आंसर यांगजे क्यांग एंड हैविंग वांग हो आर द मेन रिवर्स ऑफ चाइना। फिर से अब स्लोली, थोड़ा सा स्लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाम टू रिवर्स इन चाइना, यांगकिंग एंड वांग हो आर द मेन रिवर ऑफ चाइना। यांगसे क्यांग, अपन इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रोनाउंसिएट नहीं भी हो रहा है तो आप स्पेलिंग लर्न कर लो, यांगसे क्यांग एंड वांग हो।
आर द मेन रिवर्स ऑफ चाइना, ठीक है। हाँ चलो, क्या कंफ्यूजन था बेटा? चेरियट मतलब अपन कह सकते हैं लकड़ी की गाड़ी, ठीक है। आपने चेरियट वैसे तो मीनिंग होता है, जो आपने देखा होगा गॉड जिस पर बैठते थे, है ना, गॉड जिस पर बैठते थे ना, वो क्या होते थे, चेरियट। मतलब उनका जो ट्रांस इधर से उधर ट्रेवल करने के लिए जो यूज करते थे ना, वो चेरियट्स होते थे। बट अपन ने यहाँ पर किस लिए यूज करा है चेरियट्स को, कि मतलब एक उन्होंने ट्रेवलिंग के लिए यूज करा है ना, कि लकड़ी की गाड़ी, ठीक है। मैत्री यहाँ पर बता रखा है कि लकड़ी की गाड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू रिपीट करेगी राशि। यस सर। चलो, who invented the steam engine? 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 Steam engine का invention किसने करा, है ना? मतलब steam engine किसने बनाई, ठीक है? Answer, James Watt. James Watt. James Watt. James Watt. Invented the steam engine. Invented the steam engine. James Watt. James Watt. Invented the steam engine. Invented the steam engine. ठीक है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है James Watt, है ना, बाकी क्वेश्चन नहीं है। किसने इन्वेंशन करा था स्टीम इंजन का? जेम्स वॉट। क्वेश्चन नंबर थ्री, अरे सॉरी, राशि रिपीट। ओके, जेम्स वॉट इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? आंसर, जेम्स वॉट invented the steam engine. ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री रिपीट करेंगे कल पे। कल पे अनम्यूट। आवाज आ रही है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, List any five things. List any five things. For which a wheel is used. ठीक है, कोई भी अपनों को फाइव चीजें बतानी है, पांच चीजें बतानी है जिसमें व्हील यूज होती है। आंसर में थ्री दे रखी है ना, मतलब मेन तो यूज कहाँ पर होता है उसका, व्हील्स जो टायर्स बनाने में, ठीक है, उसके अलावा कहाँ यूज होता है, अपन तो सिर्फ वो आंसर में लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम Traveling. Apart from. Traveling. Wheels are used for. Pottery. Pottery. Milling. And irrigation. Apart from. Traveling. Wheels are used for
wheels are used for pottery, milling, and irrigation. ठीक है, चलो रिपीट कर लो कल पे, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. List any five things for which a wheel in used apart from traveling. Wheels are used for pottery, milling, and irrigation. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होती है? ट्रेवलिंग में तो यूज होती है ना, ट्रेवलिंग में तो यूज होता ही है व्हील. ठीक है, उसके अलावा कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो पॉटरी, मतलब जो बर्तन बनाते हैं ना, पॉट्स और ये सब बनाते हैं, जो उसमें यूज होता है, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं. मिलिंग मतलब जो आटा पीसने में काम आता है. ठीक है, फ्लोर बनाने में, आटा पीसने मतलब कि आटा बनाने में काम आता है. ठीक है, कोई भी चीज को पीसने में काम आता है व्हील. और इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी देने में भी काम आता है. जब फील्ड में अपन पानी देते हैं ना, जो भी अपन फार्मिंग कर रहे हैं उसमें अगर पानी देते हैं अपन, तो उसमें क्या यूज होता है? व्हील यूज होता है. चलो ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर विल बी रिपीटेड बाय अल्फा. यस सर, लास्ट क्वेश्चन है. हर्ष, आप भी रिपीट कर लो. दोनों को आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. नेम द टू ट्रेंड्स इन इंडिया. नेम द टू ट्रेंड्स इन इंडिया. नेम द टू ट्रेंड्स इन इंडिया. That connect various states. Answer. राजधानी. 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 एंड शताब्दी. एंड शताब्दी. राजधानी. राजधानी. एंड शताब्दी. एंड शताब्दी. आर टू ट्रेन्स. आर टू ट्रेन्स. That connect various states in India. Are two trains. That connect various states in India. Okay, चलो दोनों एक एक बार repeat कर लो, मतलब एक साथ. क्वेश्चन और आंसर. Name the two trains in India that connect various states. Rajdhani and Shatabdi are two trains that connect various states in India. Good, चल. ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सबको क्लियर है? यस सर. ओके, चलो अब ये आंसर आपको लर्न करना है सारे, है ना, कल इस चैप्टर का टेस्ट है. ओके, ऑल ऑफ यू, इन सबको लर्न करना है, क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों. ठीक है, इन सब चैप्टर का टेस्ट. Yes, sir. Okay. So we are ending class.